हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे थायरोक्सिन सोडियम सल्फ जो टैबलेट्स है थायरोक्स 25, जो कि आपको थायराइड में दी जाती है। अगर आपको थायराइड की बीमारी है या थायराइड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट्स 25 ही रिकमेंड करते हैं, और इसको सेवन करने के लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि आप जब इस टैबलेट का सेवन करें तो आपको रेगुलर रहना है और आपको बिल्कुल भी इरेगुलरिटी नहीं रखना है, क्योंकि देखिए जो थायराइड है, ये थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि बटरफ्लाई के जैसा होता है। ओके, और जब और ये जो थायराइड है ये आपके गले में होता है, इसे थायराइड हार्मोन निकलता है। अब ये जो ग्लैंड है इसी से थायराइड हार्मोन निकलता है, और थायराइड ग्लैंड शरीर में आयोडीन की मदद से हार्मोन्स बनाते हैं। जो भी आपके हार्मोन्स में इनबैलेंस आते हैं, गड़बड़ी होती है, तो वो हार्मोन्स बनाते हैं। थायराइड हार्मोन का बैलेंस जब बिगड़ जाता है, जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे जैसे आपके अंदर क्या होगा कि थायराइड, आप थायराइड से पीड़ित हो जाएंगे। और थायराइड दो टाइप का, मेनली दो प्रकार का होता है, कि हाइपोथायराइड होता है और हाइपर थायराइड होता है। तो हाइपोथायराइड में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं होती है, जिसमें शरीर में जरूरत के मुताबिक जितनी आपको आवश्यकता होती है उतना आपके में T3 और T4 हार्मोन नहीं बन पाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी आपको सुस्ती सी रहेगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा, अनियमित पीरियड होंगे, आंखों में सूजन होगी, हाथ पैरों में सूजन होगी। तो अगर आपका थायराइड का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है तो आपको डॉक्टर्स ये सबसे पहले, अगर थोड़ा 1-2% ज्यादा है तो आपको डॉक्टर ये थायरोक्सिन सोडियम टेबलेट्स रिकमेंड करते हैं, और ये बोलते हैं कि आपको डेली खाना है, इसको गैपिंग नहीं देनी। और अनफॉर्चुनेटली अगर कभी गैपिंग हो जाती है तो आपको नेक्स्ट डे 2 टैबलेट्स इसको ले लेनी है। और जब आप इस टैबलेट का को खाएं, जब इसका सेवन करें, तो आपको आधा घंटा न पहले और ना आधा घंटा बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। देखिए इस टैबलेट का जो प्राइस है उसको वो देखेंगे, ये 143 इसका प्राइस है, और 100 टैबलेट्स इसकी होती है। तो 100 टैबलेट्स इसकी पूरी तरीके से होती है, और इसको आपको पर डे 1 टैबलेट खानी होती है। और जो दूसरे टाइप का थायराइड, और जो दूसरा थायराइड होता है हाइपर थायराइड, तो इसमें आपका वजन घटने लगता है और भूख लगती है, खाना खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप में वीकनेस रहती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो थायराइड की ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो थायराइड के लिए आपको बहुत ही सीरियस रहना है। और सबसे पहले देखिए, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करे तभी आपको टैबलेट्स लेनी है, अदरवाइज आपको टैबलेट्स नहीं लेनी है, क्योंकि डॉक्टर आपकी आपके अंदर T4 T3 का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्टर टैबलेट्स देंगे। तो आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए बिल्कुल भी टैबलेट नहीं लेनी है। वैसे ये टैबलेट अच्छी है अगर आप इसे रेगुलर खाते हैं, इसके साथ साथ ही रेगुलर व्यायाम करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, तो आपका थायराइड एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग लेवल होता है थायराइड का। और सेकेंडली फ्रेंड्स, ये है कि आप लोग जितना ज्यादा ज्यादा हो सके एक्सरसाइज करें और पौष्टिक भोजन करें, जंक फूड बिल्कुल भी त्याग दें। और थायराइड के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो नेक्स्ट जरूर डाल दूंगी। सो इसके लिए प्लीज आप वेट कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियोस लाती रहूं और आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।